जय हिंद दोस्तों। दोस्तों दो महीने पहले 9 मार्च 2021 को रशिया और चीन ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत उन्होंने बात की थी कि इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन के निर्माण की, और ये जो उसके पीछे लक्ष्य बताया गया था कि कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट और रिसर्च फैसिलिटी रहेगी और वहां पर इंसान की भी प्रेजेंस का वातावरण बनाया जाएगा, फैसिलिटीज बनाई जाएंगी। उसी समय मैंने कहा था, जब बहुत सारे इंटरनेशनल एनालिस्ट भी कह रहे थे कि ये जो है बेसिकली रशिया अपने आप को नासा से दूर कर रहा है, और उसके बहुत सारे रीजंस थे, इनकी जो कोल्ड वॉर चल रही है, इनका रशिया के ऊपर सैंक्शन है, प्लस जो स्पेस प्रोग्राम इलॉन मस्क का है टेस्ला वालों का, आजकल उसकी फैसिलिटीज यूज करता है नासा पहले जो कि रशिया की किया करते थे, तो बहुत सारे उसके कारण हैं। लेकिन प्रमुख कारण इसमें जियोपॉलिटिक्स भी है, और मैंने कहा था उस समय कि रशिया और चाइना जितने नजदीक आ रहे हैं वो बहुत खतरनाक है, और मैंने यह भी कहा था, वो आज होते हुए दिख रहा है कि अब ये लोग जो हैं इस प्रोजेक्ट के लिए दुनिया के अलग अलग देशों को भी इनवाइट करेंगे। उसमें कुछ ऐसे भी बहुत सारे देश होंगे कि जिनका स्पेस से कोई मतलब नहीं होगा इस प्रोग्राम से, लेकिन अपने आप को ज्वाइन करने के लिए, क्लब फॉर्मेशन के लिए ये किया जाता है, और इसका सिग्निफिकेंस होता भी है। आपने देखा था 19 या 18 मई को किस तरह से चाइना का जो रोवर था वह लाल प्लेनेट मार्स के ऊपर लैंड करता है, उसके फोटोग्राफ भेजता है। उस समय भी मैंने यही मानना था कि इसमें बिना रशियन टेक्नोलॉजी के इस लेवल पर ये कर नहीं सकते चीनी, इसमें डेफिनेटली रशिया की टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है, तभी वहां तक चीन पहुंच पा रहा है और स्पेस की रेस में भी आगे बढ़ रहा है रशिया की वजह से, क्योंकि रशिया के पास पैसा नहीं है लेकिन टेक्नोलॉजी है, डू नॉट फॉरगेट दैट थिंग। और रशिया एक बड़ा पावर हर तरह से, टेक्नोलॉजिकली भी है और सामरिक रूप से भी है, सैन्य रूप से भी है, न्यूक्लियर रूप से भी है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना चाइना और रशिया का बहुत डेडली है। फिर अभी आप देखिए कि मिडिल ईस्ट में भी चाइना ने अपने आप को इन्वॉल्व करने शुरू कर दिया है, यहां तक कि सऊदी अरब का पूरा के पूरा जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोग्राम है वह चीनी मिसाइल्स पर आधारित है, अमेरिकन मिसाइल्स पर नहीं है। तो आप ये देखिए कि अब मिडिल ईस्ट में भी अमेरिकन हेजेमनी को चीन चैलेंज कर रहा है। कुछ खबरें यह भी आ रही हैं कि इवन सीरिया में भी चाइना अब एक पार्टी बनता जा रहा है। ऑलरेडी रशिया तो एक मेजर प्लेयर है, और रशिया आज के समय सीरिया की भूमि को अपनी भूमि की तरह ट्रीट कर रहा है, और कुछ समाचार यह भी आए हैं अभी तो कि रशिया ने न्यूक कैपेबल जो बॉम्बर्स होते हैं, न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स, उनको भी डिप्लॉय किया है जो उसकी मिलिट्री बेसिस है सीरिया में। तो आप ये देखिए कि रशिया और चीन इतने करीब आ रहे हैं, और किसकी वजह से आ रहे हैं, मैं प्योरली कहता हूं इसमें बेवकूफी है, और क्लियर कट बेवकूफी है अमेरिकन पॉलिसी और अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स की। और जो बाइडेन जिस रास्ते पे जा रहे हैं ना वह विध्वंस का रास्ता है। आप रशिया को चीन की गोद में यदि डालोगे, उस पर सैंक्शंस लगा लगा कर उसका हुक्का पानी बंद करके, उसको बार बार जलील करके, उसके नेताओं को अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जलील करके, तो इससे होगा कुछ भी नहीं कि रशिया जो है वो चीन की गोद में जाके बैठ जाएगा। उसको पैसे की जरूरत है, चीन को टेक्नोलॉजी की जरूरत है, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वह डेफिनेटली चैलेंजिंग होगा। और उसमें सबसे ज्यादा रोल है अमेरिका की संसद का, जिसने काटसा जैसा गंदा कानून बनाया है। मैं गंदा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोई भी देश की, देखिए हम निष्पक्ष होके, और मैं हमेशा चाहता हूं कि भारत जो है वो आइडियाज फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बने, इसीलिए मैं इनडेप्थ बात करता हूं, कोशिश करता हूं रिसर्च करने की। तो इसमें सबसे गंदा कानून है काटसा का। गंदा कानून क्यों कह रहा हूं, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी जो होती है ना वो बड़ी लचीली चीज होती है, उसको आप संसद के कानून से कोई भी देश नहीं बांध सकता। लेकिन अमेरिका ने शायद 2017 था जब ये मूर्तापूर्ण कानून लाए थे, जिसका फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, मतलब उसके ऊपर सैंक्शन लगाकर उसको काउंटर करना। तो उसमें रशिया के ऊपर बहुत पोटेंशियल सैंक्शन लगा रखे हैं, उनके कुछ नेता मानते हैं कि रशिया से चूंकि हमने S-400 मिसाइल भारत ने खरीदी है तो भारत पे भी कुछ ना कुछ सैंक्शन लगाए। देखिए मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन यदि होता है तो फिर वो अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा, बड़ा स्पष्ट करता हूं मैं ये बात। तो एनीवेज अभी जो इनका ये सैंक्शन की पॉलिसी है ना, जिस प्रकार से रशिया का हुक्का पानी बंद कर रखा है, रशिया और चीन का
जो अलायंस है उसको बुनने के लिए जो धागा है ना, वो अमेरिकी संसद द्वारा पास किया हुआ काटसा एक्ट है। आप जब किसी भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को संसद गवर्न करने लगता है, संसद के कानून से जब कानून होता है ना, तो फिर कानून का इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, गवर्नमेंट बाध्य हो जाती है। आप ये सोचिए कि कोई भी कानून है तो कानून फिक्स है। मैं उदाहरण देता हूँ, छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि किसी ने सपोज करें कि इनकम टैक्स नहीं भरा, ठीक है, तो उसके ऊपर स्क्रूटनी भी होगी और दूसरी कार्रवाई भी होगी, जिसमें क्रिमिनल लाइबिलिटीज भी उस पर फिक्स हो सकती हैं और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज भी हो सकती है। वो इनकम टैक्स के कानून की तरफ से वो कोर्ट्स भी जो है, वो सरकारें भी जो है, उस कानून के ऊपर बाध्य है उसको पालन करने के लिए, ठीक है, हो गया। ये देशों की बात है, आंतरिक विषयों की बात है। लेकिन यदि किसी देश की फॉरेन पॉलिसी कानून पर बंध जाए, तो आपको दिख रहा है कि ये फॉरेन पॉलिसी बड़ी मैक्रो मैनेजमेंट की चीज होती है, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं होती है कि आप वन साइज फिट्स ऑल, वो नहीं हो सकता उसमें। यदि किसी देश की फॉरेन पॉलिसी उसके संसद द्वारा बनाए कानून से गवर्न होने लगे, तो फिर सरकारों को चीजों में मूव करने के लिए स्पेसेस बहुत कम हो जाती हैं। यही अमेरिका के साथ इस काटसा एक्ट के साथ हुआ है कि काटसा अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है, वो अमेरिकन गवर्नमेंट की लायबिलिटी बनती है। अब रशिया के ऊपर जिस तरह से काटसा एक्ट लगा हुआ है, उसकी वजह से रशिया जो है वह हुक्का पानी बंद करके बैठा है अमेरिका की वजह से। ऐसी स्थिति में चीन जो है अपना पर्स खोल रहा है कि ठीक है, आप हमको हथियार दो, आप हमसे टेक्नोलॉजी दो, हम साथ मिलकर काम करते हैं, तो मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति है। और रशिया ने कोशिश की कि वह वेस्ट की तरफ आए, लेकिन वेस्ट ने उसको एक तरह से लात मारी है। तो मैं एज अ वेल विशर ऑफ अमेरिकन और इंडियन टाइज प्लस एज अ वेल विशर ऑफ रशियन एंड इंडियन टाइज दोनों का मैं दोस्त हूं, मानता हूं, क्योंकि अमेरिका भी हमारा मित्र देश है और रशिया भी हमारा मित्र देश है। मैं अमेरिकी संसद को से ये विनती करता हूं, और चूंकि मेरी चैनल को, मेरे वीडियोस को अमेरिका में भी बैठे बहुत सारे लोग देखते हैं, तो मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने जो मेंबर ऑफ कांग्रेस और मेंबर ऑफ सेनेट हैं उनको लिखें कि ये काटसा एक्ट जो है, ये जितना अमेरिका के एडवर्सरी अर्थात अमेरिका के प्रतिद्वंदी या दुश्मनों को नुकसान नहीं कर रहा है, उतना उससे ज्यादा नुकसान अमेरिका और उसके दोस्तों को कर रहा है। क्योंकि ये अमेरिका के जितने भी तथाकथित एडवर्सरीज हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो ईरान हो, आगे जाके आप देखेंगे थोड़े दिन बाद मैं बोल रहा हूँ अभी से कि साउथ अमेरिका में भी ये चीज शुरू होनी है, वेनेजुएला हो, ये सब जाके चीन की गोद में बैठ जाएंगे और यह दुनिया को खराबी की तरफ ले जाएगा। चीन एक, मैं कहता हूं कि मैं बड़ा चूज करके कोशिश कर रहा हूँ वर्ड की, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे वर्ड आ रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ, मैं डिप्लोमेटिकली गलत वर्ड का उपयोग नहीं करूंगा, चीन एक काला पावर है, और काला पावर यदि दुनिया पर राज करेगा तो दुनिया काली हो जाएगी। हमको दुनिया को खूबसूरत रखना है, दुनिया को हमको काले रंग से नहीं रंगना है। इसलिए मैं अमेरिकन्स को, विशेषकर जो एनआरआईज में हिंदी का वीडियो है, एनआरआईज ही देखेंगे उसको, उनसे कहता हूं कि आपके क्षेत्र के जो निर्वाचित कांग्रेस मैन और वुमेन हैं और सेनेट मेंबर से उनको लिखें कि काटसा एक्ट को हटाएं, ताकि रशिया को चीन के नजदीक जाने से रोका जा सके। जय हिंद, जय भारत।